संजय दत्त वाला लुक ले रखा आपने तो है। वो डायलॉग है ना जो संजय दत्त जी में 50 तोला पूरा भाई 50 तोला ही ले रखा है। और भाई जैसी भाई है वैसी भाई ने अपनी गाड़ी बना रखी है, एकदम मॉन्स्टर गाड़ी बना रखी है। Windows ne tent below, munda success blue tent below. Log meri reese gar hit hunde, main cheez kiya aina datta hint below. Rang meri hasal da pherni, ho kali kali vein sal merni. Ho pusaya style unch pyar vi bathera, mere aaj gaddi te gaddi ch yaar tera. अपना नाम बता दो, नाम क्या आपका? भाई मेरा नाम है अजय सिंह। तो भाई जैसे मेरे को लग रहा आप हो ऐसे आपने गाड़ी बना रखी है, खतरनाक बिल्कुल किल। तो भाई गाड़ी में मतलब गाड़ी लेने का कारण क्या था कि भाई थार ही लेनी है? भाई बस शौक है गाड़ी का, है शौक है, थार का ही शौक है। तो अगर हम बात करें गाड़ी के रियर प्रोफाइल बैक फ्रंट लुक में अपने गाड़ी में क्या क्या काम करवा रखा है, फ्रंट में आ जाओ एक बार आप। फ्रंट में भाई गाड़ी की ग्रिल चेंज करा रखी है पूरी, ये जो सामने में ग्रिल दिख रही है ये वाली, तो भाई ये ग्रिल मेरे हिसाब से आपने रूबीकॉन वाली जीप वाली लगवा रखी है, पूरी कन्वर्ट करवा रखी है उसमें। इसको बोलते हैं एंग्री बर्ड। अच्छा, एंग्री बर्ड के नाम से है ये वाली जो ग्रिल है, इसकी जो लुक है इसको लुक को बोलते हैं एंग्री बर्ड लुक। अच्छा, तो नीचे से मैंने आपने देखा आपने जो बंपर है इसका फ्रंट वाला बंपर भी पूरा चेंज करवा रखा है इधर से उधर तक, ये वाला ये पूरा बंपर चेंज करा रखा है। हाँ हाँ, नीचे ये लगवा रखा है पूरा नीचे से ताकि कुछ अड़े ना। अच्छा, नीचे से आपने ये भी लगवा रखा है इसमें? ये तो पूरा भाई हैवी एकदम जाली वाली एकदम ओके कर रखी है गाड़ी। पत्थर वगैरह कोई चीज, मैं क्योंकि ऑफरोडिंग का शौकीन हूँ थोड़ा सा, अगर कोई चीज इसमें आ भी जाती है तो मेन गाड़ी लेने का पर्पस यही था कि ऑफरोडिंग का शौकीन हो तो भाई ऑफरोडिंग व्हीकल बना रखे। अच्छा, तो भाई अगर फ्रंट में आपने ये लैम्पी चेंज करवा रखे अंदर के? हाँ, अंदर में ये कितने वाट की एलईडी लगवा रखी है आपने? ये भाई 750। 750। तो फ्रंट में अगर हम बात करें गाड़ी की, इस रियर प्रोफाइल में आपने कितना पैसा लगाया था, कॉस्ट कितनी आ गई थी इस फ्रंट में चेंज कन्वर्ट करवाने में? बात करते हैं इसकी तो बंपर की कीमत की बात करते हैं तो बंपर मेरा 1.5 लाख रुपए का है। ये जो बंपर है भाई, ये बंपर खाली 1.5 लाख रुपए। तो यार भाई तगड़ी शौकीन हो भाई है। और ये हमने जो एंग्री बट वाली अपने ग्रिल 14,000 रुपए की ग्रिल, ये पूरी ये जो खाली इसमें जीप लेकर आया और ये ग्रिल आ रही है पूरी। और अगर हम अंदर के HID और हेडलैम्प की बात करें तो ये हेडलैम्प मेरे लगे थे ये उस टाइम पे 26,000 रुपए के। 26,000 रुपए के दोनों? भाई गाड़ी में मोटा पैसा खर्च कर रखा है, तगड़ी शौकीन हो गाड़ी के। तो भाई फ्रंट लुक आपने देख लिया कितना कैड़ा लग रहा है गाड़ी का, और मेन जो आधा लुक आता है वो मैं आपको साइड प्रोफाइल ले जाऊंगा, साइड प्रोफाइल में जो गाड़ी के अलॉय व्हील्स हैं वो दिखाऊंगा आपको। तो भाई कुछ इस तरीके से हमारी लगती है भाई साइड में से हमारी थार। भाई मॉडल कौन सा है गाड़ी का? गाड़ी का भाई ये 2022 मॉडल है। 2022 मॉडल है, नई मॉडल। अच्छा, तो 4x4 है अपनी है जी, 4x4। 2022 मॉडल गाड़ी का फ्रंट में। भाई आप साइड में आप देखोगे तो
हमारा जो अलॉय व्हील्स का टायर प्रोफाइल है वो है 275/55 R20, 20 इंच का अलॉय व्हील लगवा रखे हैं भाई आपने है? तो भाई अगर हम बात करें टायर अपने कौन सी कंपनी के हैं, हैनकुक के हैं, कंपनी टायर है। और अलॉय व्हील्स की अगर हम बात करें तो अलॉय व्हील और टायर के पीछे इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी है। कैसे? असल में ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर तक अभी तक रनिंग है। क्या बात कर रहे हैं? टायर्स की बात करें तो ये कंपनी के लग रहे हैं दोनों ही? नहीं भाई, कंपनी के तो मैं चेंज करवा दिए, ये मैंने अपने शौक से बाहर लगवाए हैं। अच्छा अच्छा, टायर मैंने 3 बार चेंज करवाया, 10,000 किलोमीटर अभी गाड़ी चली है ये। क्या बात कर रहे हो, 10,000 किलोमीटर में 3 बार मैंने इसके टायर चेंज करवा चुका हूँ। 3 बार? कारण क्या था भाई टायर 3 बार चेंज करवाने का? इसके साथ जो कंपनी के टायर आते हैं वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं होते, वो तो अपने नॉर्मली आते हैं। चेंज करवाए, फिर मैंने लगवाए लो प्रोफाइल। बिल्कुल, जो लो प्रोफाइल होते हैं वो लो प्रोफाइल मेरे को ऑफरोडिंग में ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए। लो प्रोफाइल भाई ऑफरोडिंग में चलते ही नहीं है। हाँ, इनकी जो मैं प्रोफाइल देख रहा हूँ, प्रोफाइल थोड़ी सी मोटी है इनकी। बहुत मोटी है। तो लो प्रोफाइल चले नहीं फिर उसमें? इनको तो आइस की आइस में, राजस्थान रेत में, कहीं भी कैसे भी ऑफरोडिंग, पत्थरों में, पहाड़ों पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जाओ, ऑफरोडिंग का राजा कहा जाता है इस वाली गाड़ी को तो। है तो उसके बाद आपने ये व्हील्स लगवाए तो इसमें अभी तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज की अगर हम बात करें तो माइलेज तो कुछ कम होगी चढ़ाने वाले, ये जितने भी टायर है, जितनी भी थार है। हाँ हाँ, एक भी थार में ऐसा टायर नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो भाई? के साथ बोल रहा हूँ, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, पंजाब में, कितने ही कितना भी कुछ भी हो। अच्छा अच्छा, ऐसा टायर नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? कारण क्या होता है, ये टायर इतना बड़ा साइज का लगने के बाद टायर में आवाज आती है, टक टक। हाँ, मतलब थोड़ा आवाज आती है, नॉइजनेस आती है थोड़ी। टायर में कोई आवाज नहीं है, मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आज तक नहीं। तो भाई मेन जो बात आती है टायर में, आपने जो काम करवाया, अलॉय व्हील्स लगवाए, इसकी कॉस्टिंग क्या आ गई थी चारों टायर की? भाई अगर इसकी कॉस्टिंग 3 बार चेंज हुए, अगर उस हिसाब से बताऊं तो कई लाख रुपए बैठते हैं। तो भाई मेन तो अभी जो गाड़ी में फिलहाल लग रहे हैं, गाड़ी में ये वाले जो लग रहे हैं, कई लाख रुपए के चारों टायर। तो माइलेज की जो बात आती है, माइलेज में भी तो कोई दिक्कत आई है इसमें? माइलेज में कोई दिक्कत ना आ रही भाई, अभी माइलेज तो एवरेज तो थोड़ी कम हो गई होगी वैसे, 12 थोड़ी सी तो फर्क पड़ता है। अब मेन जो शौक के लिए, जब शौक, जब 2.5 लाख के अलॉय व्हील्स लगवा सकते हो तो माइलेज क्या देखनी है। तो भाई गाड़ी का जो रियर प्रोफाइल तो आपने दिखाई थी, साइड में से क्या गाड़ी आती है आपकी, क्या गाड़ी लगती है, और बैक में जब आते हैं। और भाई गाड़ी एक चीज और है, आ जाओ, गाड़ी एक आती है पूरी बंद रूफ वाली, आपने ये वाली गाड़ी को ली कि ओपन रूफ गाड़ी चाहिए मेरे को? इसमें दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा, अभी देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मस्त हो रहा है मौसम तो फिलहाल में, एक नंबर कर लिया, चला ली। हाँ हाँ, कभी मन गया, और मेरे पास तो गाड़ी 3 गाड़ियां और है, फॉर्च्यूनर है, ग्लेंजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मुझे ज्यादा ऑफ रोडिंग के लिए और मौसम का। तो खाली पर्सनली आपने ऑफ रोडिंग के लिए अपने ये वाली गाड़ी ले रखी है? तो भाई, तो ये आपने वो था कि मेरे को लेनी है। तो भाई फ्रंट मैंने आपको दिखा दिया, पीछे से अगर हम बात करें तो पीछे से आप थार का लुक देख ही सकते हो। पीछे हमें वही थार वाली लाइटें मिलती हैं, जिसमें कि ऊपर क्रोम आती है, अंदर के हमें पार्किंग लाइट मिल जाती है। लाइटिंग वाले तो भाई रिफ्लेक्टर लाइटिंग वाले नहीं है मेरे हिसाब से, नॉर्मल रिफ्लेक्टर है। हाँ, तो पीछे के पीए वाला जो आपने लगवा रखा है टायर के लिए, बढ़िया लगवा रखा है ताकि टायर आपका जो गंदा ना हो। तो भाई पीछे हमारे यहाँ रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, दो बड़े बड़े ऐसे पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हमारी बैक और साइड प्रोफाइल लुक लगती है। और भाई जो मेन बात आती है ना भाई, मेन बात आती है भाई गाड़ी का जो अंदर का इंटीरियर है, वो भाई मैं इंटीरियर दिखाऊंगा आपको। गाड़ी बना रखी है और भाई सेम पूरा संजय दत्त वाला लुक ले रखा आपने तो, हैं वो डायलॉग है ना जो संजय दत्त हूँ जी मैं, 50 तोला पूरा भाई 50 तोला ही ले रखा है। और भाई जैसी भाई है वैसी भाई ने अपनी गाड़ी बना रखी है, एकदम मॉन्स्टर गाड़ी बना रखी है। चलते हैं अंदर के इंटीरियर के, और इंटीरियर दिखाता हूँ मैं गाड़ी का। गेट को ओपन, यहाँ पे हमें क्रोम वाला हैंडल मिल जाता है। गेट को ओपन करने के बाद ओए होए क्या गाड़ी का लुक आता है। सबसे पहले आप डोर देखो भाई, डोर में भाई ने पूरा मतलब अलग से भाई चीज बना रखी है भाई, पूरा अंदर का इंटीरियर काम करवा रखा है आपने तो, है पूरा गाड़ी का कोई अंदर से कोई कमी नहीं छोड़ेगी, सब कुछ सारा चीज, ये जो हमारा डोर है ये सारा, ये है ये सारा कवर करवा रखा आपने पूरा, तो ये सारा अंदर से कन्वर्ट करवा रखा जो भी आता है। ये लुक आता है भाई ऊपर से जब आपके, मतलब ये चाहिए आपको पूरा ओपन रूफ चाहिए, जब आप मर्जी बंद कर लो, जब आप मर्जी अपना खोल लो। तो भाई अपना सीट कवर तो कंपनी फिटेड वाले होंगे, सीट कवर तो कंपनी फिटेड है, सीट कवर छोड़ के बाकी गाड़ी में सब कुछ मैंने करा दिया भाई। आप हैंडल देख सकते हो, डोर देख सकते हो पूरा, यहाँ पर भाई आपने वुडन की फिनिशिंग दिलवा रखी है भाई ने, और ये अपना जो डोर में फिनिशिंग आ रखी है, 70 मैट आ जाते हैं अपने नीचे की साइड है, ये भाई 70 मैट है, और ये पूरी गाड़ी में ना, पूरी गाड़ी में पूरा एक ही मैट है ये आप देखेंगे तो। अच्छा, आपने पूरा मतलब गाड़ी में जो फ्लोर है नीचे का, पूरी फ्लोरिंग में आपने करवा रखा है, वैसे नहीं करवा रखा जैसे गाड़ी में अलग आते हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरी गाड़ी में फ्लोरिंग है, ये अलग से है बस, ये ऊपर से, ये ऊपर वाला अलग से लगवा रखा है आपने। तो भाई सारी चीजें दिखाएंगे, बैठते हैं गाड़ी के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले करते हैं गाड़ी को पीछे, पीछे करने के बाद भाई फ्रंट लुक जब आप देखते हो ना, क्या भाई किल लुक आता है गाड़ी का।
फ्रंट में इंटीरियर देखो आप इंटीरियर, और भाई ये चीज़ तो आपको पता है, ये थार के अंदर अगर ये ना हो, अब आप कहोगे भाई कई लोगों को पता रहता है कई लोगों को नहीं पता रहता, ये हमारा नॉर्मल आ जाता है, ये भाई जब मेरे साथ जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं इस जब हमारा यूज में आता है ये वाला जो है 4x4 बोलते हैं इसको, तो हमारी जो पावर विंडो आती है, हमारी पावर विंडो कैसे हमें यहाँ नहीं मिलती थार में, जैसे सिलेरियो थी ना सिलेरियो की, ये देखो हमारी पावर विंडो यहाँ मिलती है हमें, यहाँ हमें ग्लास होल्डर मिल जाता है, यहाँ हमें मिलता है आर्मरेस्ट जिसमें की भाई ये तो एकदम सुनारो वाला है, जैसे सोना वोना कहीं अंगूठी अंगूठी लेके आते हैं जब बाहर से लगवाया हुआ है ना, ये कंपनी देती नहीं है, कंपनी नहीं देती तो ये अपने बाहर से लगवा रखा आपने, ये भी मैंने बाहर से लगवाया, क्या बात भाई। तो फ्रंट में आप देख सकते हो ये टच स्क्रीन जो है ये पाइनोर की, आपने बाहर से लगवा रखी कैसे? नहीं ये कंपनी फिटेड है, टोटली कंपनी फिटेड है, मतलब काम जो करवा रखा है जेन्युइन करवा रखा है सारा, कोई चालू काम नहीं है, गाड़ी के साथ ही आई, गाड़ी के साथ ही आई थी। तो भाई अगर हम बात करें डोर की, डोर आपने देख लिया, ये बंद करी हमने डोर, यहाँ सनसेट मिल जाती है भाई ने लगवा रखी है, यहाँ पर जिप वाली मिल जाती है सनसेट, यहाँ पर देख सकते हो आप ऊपर जो अगर बात करें तो फुल्ली ओपन रूफ है। तो भाई अगर हम बात करें इसकी कॉस्टिंग की, तो ये पूरे इंटीरियर में आपने क्या कितनी कॉस्टिंग आ गई थी जो आपने सब कुछ चेंज करवा रखा है यहाँ पर? भाई इसकी कॉस्ट की बात करें तो कम से कम इसमें लगे मेरे 80,000 रुपए के आसपास पूरे अंदर के इंटीरियर में, जो कि आपने साइड प्रोफाइल करवा रखी है गाड़ी की, यहाँ साइड में जो भी वुडन की करवा रखी है और ये पूरी लेदर की आ रही है, तो ये भी आपने जो इसकी अपना कवर है ये भी कवर भी आपने वैसे करवाया था, एयरबैग्स हमें एक यहाँ मिल जाता है गाइस और एक यहाँ मिल जाता है, इसमें पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे भी भाई थार में स्पेस काफी बढ़िया है, तो भाई साइड में जो आर्मरेस्ट लग रहे हैं वो भी आपने अलग से लगवा रखे हैं? हाँ वो भी अलग से, इसमें थार में आते नहीं है ये, हाँ हाँ हाँ, तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड लगवा रखे हैं आपने, पीछे में वही ग्लास होल्डर मिल जाते हैं थार में, और भाई पूरी गाड़ी का जो लुक है आप अंदर का देख सकते हो भाई, पूरा जीप रूबीकॉन वाला करवा रखा है अंदर से भाई ने, फुल्ली मॉडिफाई है अंदर की जो थार है हमारी 80,000 रुपये में भाई, 80,000 में बता रहे हो, 80,000 में यहाँ हमें एक लाइट मिल जाती है, यहाँ पर LED लाइट है भाई, इसमें LED चेंज करवा रहे हैं कैसे? हाँ चेंज करवा रखी है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है सामने से हमारी जो गाड़ी है। और एक बार थोड़ा सा गाड़ी का जो अगर साउंड के शौकीन में सबसे कम हो आप? साउंड का मैं शौकीन नहीं हूँ क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी ओपन है तो इसमें म्यूजिक सिस्टम को ज़्यादा काम नहीं कर पाता। कोई नहीं भाई, फिर भी हम अपने व्यूअर्स को साउंड सुनाएंगे गाड़ी का, जो कंपनी जो हमारे स्पीकर्स आते हैं, स्पीकर यहाँ मिलते हैं मेरे हिसाब से भाई, हमें यहाँ पर यहाँ भी देखो थार का लोगो लग रहा है, जीप बन रखी है, स्पीकर तो साउंड सुनाएंगे गाइस इसका आपको। तो भाई कुछ इस तरीके से चलते हैं, हमारे जो व्हाइट लैंप्स है भाई, रात में तगड़ा उजाला कर देते होंगे लैंप है, बहुत तगड़ा सामने से कोई देखता होगा तो भाई देखता होगा भाई क्या आ रहा है। इस टाइम जो हमारे गाड़ी में आगे स्पीकर मिलते हैं, इनके अलावा आपने और कोई स्पीकर लगवा रखा है गाड़ी में? मैंने इसमें लगवाए थे, वो भी मैंने लगभग 80,000-90,000 रुपए का सेट लगवाया था। अच्छा अच्छा, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुआ, क्या चक्कर है, एक तो डिक्की में स्पेस बहुत कम है। हाँ हाँ, या तो उसमें हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो लगेज नहीं रख पाते। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने इसमें से निकलवा के अपनी दूसरी गाड़ी में रखवा दिया। अच्छा, और दूसरी दिक्कत आप बता रहे कि ओपन रूफ है तो आवाज थोड़ी बाहर जाती है, थोड़ी सी बाहर जाती भाई। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई यार मेरे को, गाड़ी में इतना पैसा लगा दिया पर यहाँ पे ये क्या करवा रखा है यहाँ पर, ये समझ में नहीं आ रहा है। असल में ना मैंने एक लाइट लगवाई थी ऊपर। अच्छा अच्छा, वाली लाइट यहाँ ऊपर, उसका यहाँ पे कनेक्शन करवाया था तो उस लाइट जलाने के लिए कनेक्शन। अच्छा अच्छा, तो लाइट में सब से हटा दिया भी आपने? हटा दियो, अच्छी नहीं लगी थी। तो यार भाई यार पर ये होम हो गया, ये थोड़ा वैसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एक बार आपको व्यूअर्स को साउंड सुनाते हैं गाड़ी के अंदर, जो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी फिट जो स्पीकर मिलते हैं उसका एक बार साउंड सुनाते हैं, बजाओ अगर गाने बजाओ। तो भाई साउंड जिस हिसाब से अगर गाड़ी में दो स्पीकर है, दो स्पीकर के हिसाब से तो भाई कंपनी बढ़िया स्पीकर देती है। महिंद्रा के स्पीकर बहुत गंदे आते, बहुत गंदे आते, मतलब मजा नहीं आया इनमें है, पर साउंड हल्का तो थोड़ा सही है, लाउडनेस थोड़ी ठीक है साउंड, पर आपको कंफर्टेबल नहीं लगा? हाँ, क्योंकि स्पेस की वजह से बस वही दिक्कत है इसमें, थोड़ा स्पीकर वगैरह के म्यूजिक का तो मुझे शौक है लेकिन स्पेस के कारण मैं रख नहीं पाता इसमें। अच्छा 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 अच्छा, तो सामने से अगर हम बात करें तो आपने भाई पूरी गाड़ी देख ली, पूरी गाड़ी के बाद ये जो मजा आता है ना भाई गाड़ी के अंदर यूं ऐसे ओपन होने का, ओपन होने के बाद ऐसी वीडियोस बनाने का, ओए होए क्या किल लुक आता है। और क्लस्टर की बात करें, जब गाड़ी हम ओपन करते थार लिखा आ गया, उसके बाद बीच में MID आ जाती है, उसके बाद हमारा स्पीडोमीटर आ जाता है, फ्रंट के बाद ये जो लुक आता है भाई किल लुक आता है। अब मेन जो सबसे बात आती है वो चलते हैं बाहर। तो भाई मेन जो बात आती है, आपने ऐसी मॉन्स्टर लुक थार में अब तक टोटली कॉस्टिंग अंदर से बाहर से कितनी कॉस्ट आ गई थी टोटलिंग इंटीरियर में बाहर की मॉडिफिकेशन में अब तक? भाई अगर टोटल बताई जाए तो मैंने कम से कम 5-6 लाख, फिक्स तो मुझे पता नहीं है, पर 5-6 लाख के करीब तो लग ही गया फ्रंट के इंटीरियर और अंदर के इंटीरियर और आपके जो अपने अलॉय व्हील्स हैं। हाँ,
टोटल का मतलब 6 लाख प्लस ही होगा। 6 लाख प्लस, तो भाई 6 लाख रुपए में भाई ने अपनी जो थार है 2022 मॉडल वो बना दिया कुछ इस तरीके की। वीडियो पसंद आई हो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब और एक बढ़िया सा कमेंट करना, और थार आप बताना कमेंट में कि थार आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नई गाड़ी और एक नए दिन के साथ।